place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त पीवीसी सीलिंग डिजाइन आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों इस डिजाइन को आप देखिए, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन जो है तैयार किया गया है। दोस्तों ये डिजाइन दिल्ली में हमने तैयार किया है और ऐसा डिजाइन शायद ही पहले कभी आपने जो हो किसी चैनल पर या कहीं पर भी जो हो देखा होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को दबा लीजिए जाने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस रूम का जो साइज है वो बता देता हूँ। देखिए ये जो रूम का साइज है, ये 13x13 का रूम है। ये एक दोस्तों ड्राइंग रूम है जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पीवीसी पैनल से जो है वो डिज़ाइन किया है। तो आगे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको इस डिज़ाइन से रिलेटेड जो है वो मिल पाएगी। अब देखिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों ये जो बॉर्डर आप इस सीलिंग का देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का वुडन टाइप पैनल हमने जो है वो अभी यहाँ पर लगाया हुआ है और ये पैनल हमारा 20-20 इंच पर जो है वो लगा हुआ है। 20 इंच का हमारा यहाँ पर पैनल जो है वो लगा हुआ है। जो इसके पीछे की फ्रेमिंग है, यानी जो पैरामीटर वगैरह लगते हैं, जो फ्रेमिंग इसके पीछे की जाती है, तो उसका जो हमने जाल बांधा है यानी जो फ्रेमिंग की है वो हमने 17 इंच पर की है और 3 इंच की हमने यहाँ पर स्ट्रिप लाइट के लिए जगह जो है वो दी है, जिसमें हमारी कॉप लाइट यानी स्ट्रिप लाइट जो है वो आ जाएगी, तो उसके लिए हमने 3 इंच की जगह यहाँ पर दी है। तो वो सब आपको आगे दिखा रहा हूँ किस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और ये पूरा हमने पूरा ड्राइंग रूम बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट जो किया हुआ है, तो आगे आप वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों इस रूम की हमने केवल सीलिंग ही नहीं बल्कि सभी वॉल को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। पूरा डिज़ाइन को आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल पाएगी किस तरीके से पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। ये जो बीच में आप वाइट पैनल लगा देख रहे हैं, ये हमने वुडन कलर के जो पैनल है उसके कॉम्बिनेशन के लिए जो है यहाँ पर वाइट कलर का पैनल जो है वो लगाया है। वैसे जो पैनल है पूरा टोटली एज डिमांड ऑफ ऑनर है, तो उन्हीं की चॉइस पर जो है वो कलर कॉम्बिनेशन उन्हीं की चॉइस पर है, बाकी आप बेहतर जानते हैं। अगर आप इस कलर कॉम्बिनेशन ये आपको पसंद आता है, आगे जैसे कि मैं लाइटिंग वगैरह सब ऑन करके आपको दिखाऊंगा, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा लगा, वुडन का और वाइट का। अब यहाँ पर जो बॉक्स आप दोस्तों देख रहे हैं, ये हमने दो बॉक्सेस जो है वो बनाए हैं इस पूरे डिज़ाइन में, मतलब दो राउंड शेप में जो है हमने बनाए हुए हैं। तो ये जो राउंड शेप में हमारे डिज़ाइन जो लगा हुआ है यानी गोल चक्र जो है वो अंदर से हमारा 30-30 इंच का है दोनों हमारे जो डिज़ाइन है, और 8 इंच का जो इसकी जो चौड़ाई है जो गोले के आकार में है, इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो है हमारी 8 इंच इसकी चौड़ाई है, और बीच में 30-30 इंच की जो है वो जो चौड़ाई देख रहे हैं फैन के एरियाज़ में आप, बीच में वाइट वाला, तो उतना एरिया हमारा 30-30 इंच का है। बाकी दोनों में अंदर और बाहर दोनों तरफ हमने जो है वो स्ट्रिप लाइट के लिए जगह दी है, तो स्ट्रिप लाइट जब ऑन हो जाएगी तो उसके बाद भी आप जो पूरा डिज़ाइन है वो देखेंगे। तो चलिए मैं स्ट्रिप लाइट ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों फाइनली आप देखिए स्ट्रिप लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, और ऑन होने के बाद में कितनी ज़बरदस्त जो है वो लग रही है बाहर की तरफ। इस पूरे राउंड शेप में जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, इसमें हमने वार्म वाइट कलर की जो है वो स्ट्रिप लाइट दी है, ये जो कि आपको येलोइश टाइप दिख रही है, और दूसरा अंदर की तरफ हमने जो गोले में स्ट्रिप लाइट दी है वो ब्लू कलर की दी है, जो कि आप देख सकते हैं दोनों ही डिज़ाइन, दोनों ही जो गोल चक्र हैं राउंड शेप में जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे जो है वो लग रहे हैं। और जो बॉक्सेस दोस्तों बनाए गए हैं, बीच वाले जो बड़े बॉक्सेस हैं वो 30-30 इंच के हैं, बाकी सभी बॉक्सेस 25-25 इंच के जो बनाए गए हैं। और देखिए बिल्कुल एकदम यूनिक नया डिज़ाइन है, ऐसा डिज़ाइन आपने बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको पीवीसी का जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर इस डिज़ाइन को जो है वो देख रहे हैं। और यहाँ पर दोनों साइड में दो झूमर इस सीलिंग में जो है वो दिए गए हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। और ये देख जितना भी लाइटिंग का सब खर्च है दोस्तों वो आपका अलग होता है। देखिए बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो कमेंट करते हैं कि जो लाइटिंग का खर्च है वो सभी जो हम रेट बताएंगे तो उसी में इंक्लूड होता है कि
अलग होता है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइटिंग वगैरह जितनी भी वायरिंग वगैरह सब कुछ अंदर होगी या इलेक्ट्रिशियन का जितना काम होगा वो सब आपका खर्च अलग होगा। पीवीसी का हमारा जितना काम है जो रेट हम बताएंगे तो उसके हिसाब से होगा। तो आगे मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ कि जो रेट है वो क्या है। फिलहाल आप यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाहर वाला जो बॉर्डर है हमारा, उसमें भी हमने जो स्ट्रिप लाइट दी है वो वॉम वाइट कलर की दी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको झूमर दिखा देता हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त झूमर जो है वो लग रहा है। तो ये दोस्तों इस टाइप के जो झूमर आते हैं इनमें स्पीकर वगैरह भी आते हैं, तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड स्पीकर जो है वो आते हैं। और इनकी जो कॉस्ट होती है लगभग से 5-6 हज़ार रुपये से ये स्टार्ट हो जाते हैं और 10-12 हज़ार रुपये, और इस टाइप के बता रहा हूँ झूमर। झूमर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, तो इस टाइप के झूमर आपको बता रहा हूँ 10-12-15 हज़ार में आपको जो है अच्छा झूमर जो है वो इस टाइप के मिल जाते हैं। 5 हज़ार रुपये से इस टाइप के झूमर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी स्ट्रिप लाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये पूरा डिज़ाइन ऊपर का आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस रूम में जो हमने सारी वॉल डिज़ाइन की हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वॉल को दो कलर के पैनल से जो है वो हमने डिज़ाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड में क्रीम कलर का पैनल जो है वो लगा हुआ है, और फ्लावर की लीफ वगैरह की जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों पैनल उसी डिज़ाइन में है, कलर का जो है वो डिफरेंस है, एक ग्रे कलर में है, दूसरा हमारा क्रीम कलर में है, ग्रे और वाइट की शेड है, दूसरा हमारा क्रीम कलर और येलो की शेड है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त पूरा डिज़ाइन जो है वो लग रहा है। वर्क दोस्तों हम अपना बिल्कुल क्लोजली दिखाते हैं क्योंकि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में वर्क जो है वो किया जाता है। और लाइटिंग बोर्ड वगैरह सबकी कटिंग वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब से नहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर पूरे 3 साल से वीडियोज़ जो है वो अपलोड की जा रही हैं, तो एक भरोसे वाली बात, जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम जो है वो वर्क कराने की सोच रहे हैं और मन में आपको अगर ये लगता है कि काम कराएं कि नहीं कराएं, मतलब बंदे जो है वो काम करने वाले कैसे होंगे या हमसे डील करके आप जो है वो कैसे रहेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल 100% आप गारंटी के साथ में यहाँ पर वर्क जो है वो करा सकते हैं। किसी तरीके का कोई भी फ्रॉड यहाँ पर नहीं है, एकदम जेन्युइन 100% जेन्युइन वर्क है यहाँ पर हमारे पास जो है वो होता है। और अगर आप क्योंकि देखिए पेमेंट वगैरह का जो सिस्टम होता है वो सारा ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है, और हाफ पेमेंट एडवांस पेमेंट वगैरह भी सब कुछ होता है, तो बेझिझक आप बिल्कुल वर्क जो है वो करा सकते हैं। कोई भी पेमेंट देने में या किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से पूरा वर्क जो है वो किया गया है। ये दोस्तों जो शीटी वगैरह या फोटोज़ वगैरह हमारी लगी होती हैं तो उनके लिए कुछ डिज़ाइन यहाँ पर एक हमने जो है दिया है, जिसमें ऊपर की तरफ वॉम हमने जो COB लाइट जो है वो दी है, और ये पूरा चारों तरफ बॉक्स यो आयत के आकार में आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो लग रहा है। जो आपकी फ़ोटोज़ होती हैं तो वो कैसे लगेंगी यहाँ पर लगने के बाद में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। PVC दोस्तों रूम में लगने के बाद में एक अलग ही लुक जो है वो दे देती है। खर्च के बारे में दोस्तों अब बात कर लेते हैं। देखिए पूरा खर्च मैं आपको बताऊं, अगर एक 10x10 के रूम का बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, 13x13 का है, मैं आपको 10x10 का हिसाब बता के चल रहा हूँ। नॉर्मली 10x12 या 10x10 के सभी के रूम जो है वो होते हैं, तो 10x10 के रूम में अगर आप फुल रूम डिज़ाइन कराते हैं तो आपका 45 से 50 हज़ार रुपये खर्च जो है वो आ जाएगा। और उससे ज़्यादा आपका एरिया होता है, यानी मान लीजिए 13x10 का है या 13x11 का है, तो वो आप मान के चलें पूरा प्रॉपर 50 से 55 हज़ार रुपये का खर्च उसमें जो है वो आपका आ जाएगा। जो वॉल पर पैनल लगेंगे वो आपके बिल्कुल सुपर हैवी पैनल लगेंगे, सीलिंग में क्योंकि नॉर्मल पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं, सुपर हैवी पैनल वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो बाकी यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्क जो है वो किस तरीके से किया गया है, सब कुछ मैंने बिल्कुल आपको क्लोजली दिखा दिया है। हमारा वर्क दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके और सबसे पहले आप नए से नए डिज़ाइन जो है वो देख सकें। They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had
had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down.